हमारे बैंगलोर और मुंबई में क्या अंतर है? देख, यहाँ पे खाने से सोने तक सब कुछ अलग है, समझ गया? वहाँ अगर किसी को सहारा दोगे तो बात कहलाओगे, यहाँ किसी की जान लोगे तो बात कहलाओगे। पता नहीं मामा, लेकिन तुम तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हो, बस मेरा उद्धार कर। ये है अपना पैलेस। मैंने सोचा था हमारा शहर इससे भी बड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो पानी ही इतना है। अरे तू कह रहा था कि तेरे गांव में बारिश नहीं आती है, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक पाइपलाइन बिछा दें। मोटर मेरा, पाइप तेरा। हाँ, पहले पैसों की पाइपलाइन बिछा दो, उसके बाद पानी की पाइपलाइन डालना। अरे तू भी पकड़ ले किसी लड़की को। मामा, ये सब एरिया मेरे टाइप का नहीं है। इडली आराम से खाइए। मामा, यहाँ रात को 2 बजे भी लोग ऐसे घूम रहे जैसे कि मेला लगा हुआ हो। अरे ऐसा नहीं है रे, लोग दिन रात यहाँ पे पसीना बहा करके कमाते हैं और फिर यहाँ पे आके खर्च कर देते हैं, है ना? जल्दी आओ। बेंगलोर के इसी बार में मैं कैशियर का काम करता था। एक सिंगल हाफ वाल देना। ये है हमारा बार सप्लायर, इसका नाम है एसी। कभी भी ठंडा नहीं रहता, इसलिए हम सभी से एसी बुलाते हैं। ए भाई, हाफ वाल का ऑर्डर कैंसल। अरे क्या बार बार ऑर्डर लेते हो, कैंसिल करते हो? ये है हमारे बार का शेफ। आग के सामने खड़े रहकर इसने अपना टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा लिया। प्यार में मैं मर गया रे, प्यार में मैं मर गया रे, अब क्या करूं? चुपचाप क्लीन करना। ओए, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पुलिस केस कर दूंगा। ज्यादा होशियारी झाड़ा तो सीधा मर्डर। ये है हमारा बार क्लीनर छोटू। कद भले ही छोटा है लेकिन जुबान बहुत लंबी है इसकी। ये भाई है हमारे एरिया के काउंसलर, इनका नाम है नागा। असल में काउंसलर का मतलब क्या होता है ये तो भाई साहब को पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुद को शहर के अध्यक्ष कहते हैं। गरीबों का मसीहा, सबका रखवाला, गरीबों की एक ही आशा। नागा भाई की। नमस्कार भाई। सुन रहे, जल्दी से 2 गिलास पानी दे। नमस्कार। अब मैं नमस्ते कह रहा था। हेलो भैया। हाँ सेठ, हम कल क्वांटन होटल में बिरयानी खाने आ रहे हैं, तू अपना पैसे वहीं देगा, मैं खुद आऊंगा। आप क्यों आएंगे? मैं खुद आ जाऊंगा। कल टोकन मिस नहीं होना चाहिए। जी भैया। लेके रखना। बस आपके हाथ दबा रहा था तो? जिससे कि आपको आराम मिले। ये क्या भाई, आपके हाथ में अंगूठी, ब्रेसलेट कुछ है? भैया गाड़ी भी नहीं है, चेन भी नहीं है। सुनिए भाई, आप जरा खड़े होइए तो। वो क्यों? पैंट उतार कर देखनी है, चेक करते हैं कि आपकी दादी ने जो चांदी की कंठी पहनाई थी है कि नहीं। एक माला मेरे गले में डालकर मेरे बदन पे जितना गोल्ड था वो सब ले गए। भाई आप खुद एक गोल्ड हो तो फिर आपको आर्टिफिशियल गोल्ड क्यों? आर्टिफिशियल? अरे यार सभी समझते कि वही गोल्ड है, सिर्फ तुझे पता है कि वो आर्टिफिशियल गोल्ड है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब तो ये बात पूरे कर्नाटका को मालूम चल चुकी है। भाई के लिए फुल बोतल खोल। दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे एक नारियल के पेड़ पर बंदर बैठा हो, लेकिन थोड़ा सा फोकस करके देखो तो पता चलेगा। ये है हमारे बार का ओनर पाचू, और आज की डेट में इनके पास 4 बार हैं। इनके जन्मदिन पर इनकी रंग रलियां देखने लायक होती हैं। ए, उठ उठ, ए, अब तक मुंह पर मूछें नहीं आई और दारू पीकर मर रहा है, क्या हुआ है? प्यार हुआ है भैया, प्यार।
उस लड़की के लिए मैंने लीटर लीटर खून बहाया, फिर भी उसने किसी और से शादी करके धोखा दिया। सारी लड़कियां धोखेबाज हैं। Hello, all my crazy boys, please listen. Consumption of alcohol and chewing of tobacco is injurious to health. बैंगलोर में बार की छत पर ही अपना घर है। एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाने की आदत नहीं है। घर में छोटे मोटे सामान से एक्सरसाइज करके अच्छी बॉडी बना ही लेते हैं। ये बिल्ली मेरी फेवरेट डार्लिंग है। कबूतरों को पालना मेरी हॉबी है, शौक से नहीं, पर पता नहीं इनको पालने में मुझे खुशी मिलती है। गुरु, बादाम वाला दूध रखा है, पी लो। पौधों को पानी देता हूँ, शौक से नहीं और ना ही हॉबी से। जैसे आदमी को ऑक्सीजन चाहिए वैसे ही इन्हें पानी भी। मैं बार में काम करता हूँ लेकिन दारू नहीं पीता। बादाम का दूध मेरा फेवरेट है, मेरी माँ पिलाया करती थी। ये हमारे पड़ोस वाले मालिक का घर है। इसका ओनर बैचलर को घर देता नहीं है और कोई फैमिली यहाँ आती नहीं है। फाइनली एक फैमिली आ ही गई और यहीं से शुरू हुई मेरी प्रेम कहानी। बेटा। जी पापा। देख, तूने पूजा के लिए तुलसी का पौधा मंगवाया था ना, तुम पूजा की थोड़ी तैयारी कर लो, तब तक मैं दुकान होकर आता हूँ। अरे दीदी, आपने तो पॉट तोड़ दिया, अब पूजा कैसे करोगी? ओ नो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हो उसी के लिए हम लोग भी आए हैं। नीचे बहुत काम है, चलो चलते हैं। चलो 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 चलो। मिस कर दिया। ऐसे? ओ ऐसे? क्या हुआ भाई? यहाँ तुलसी का पॉट रखा था, किसी औरत को जाकर दे दिया क्या? अरे भाई, तुलसी पॉट देने से कभी कोई आंटी जिंदगी में पटती है क्या? कुछ भी बोलते हो। ऐसी, अगर तू जिंदगी में किसी को पटाएगा तो सिर्फ आंटी को ही पटाएगा क्या? इसी सोच में तूने अपनी आधी जिंदगी निकाल दी। यहाँ तुलसी का पॉट रखा था, कहाँ चला गया? गुरु जरा उधर देखो, उसे देखते ही मेरा थर्ड सेंस ललकार रहा है कि वो पॉट हमारा है, हमारा है, हमारा है। वो थर्ड सेंस नहीं, एट्थ सेंस है। करेक्शन आ गया। कंटिन्यू। रुक जा रुक जा, आता हूँ आता हूँ। अब तक सीता की एंट्री हुई नहीं और ये भाई साहब रावण बनने चले हैं। हनुमान बनूंगा, रावण नहीं। ओए कालू, अगर चुपचाप पॉट नीचे रखा तो ठीक, वरना आज तू अपनी लंगोट में वापस नहीं जा पाएगा, समझा? लेकिन मैं तो लंगोट पहनता ही नहीं। तेरी तो तेरी खोपड़ी फोड़ू क्या मैं? ओए, क्या हुआ? हम चुपचाप खड़े हैं तो जो तुम्हारे मुंह में आएगा वो बोलती चली जाओगी। मेरा मुंह? मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मैडम आप बोलो, शहद कानों में घोलो। एक शब्द और बोला ना तो तेरा गला दबा दूंगी मैं। अच्छा ये बताओ कि ये पॉट तुम्हारा, इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? पॉइंट है, लव पॉइंट। थर्ड सेंस लगाओ। ये क्या कर रहा है ये कालू? ये खोद क्या रहा है? ये क्यों इतना टेंशन में? मिल गई। ये क्या है? कल जब मैं टेरेस पर आकर बीड़ी पी रहा था, अचानक ही यहाँ पर ओनर आ गया था। फिर मैंने इसी पॉट में बीड़ी को छुपा दिया था। गुरु कैसा रहा मेरा आइडिया? हूँ ना बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। बोलो।
बोलो बोलो। ये और जेम्स बॉन्ड, बुरा मत मानिएगा, हमारा लड़का थर्ड क्लास में बार बार फेल हो गया ना, इसलिए ऐसा हो गया है। हाँ, साइड प्लीज। अब ये क्या खोद रही है, लगता है दोनों में कंपटीशन हो रहा है। मेरी खुदाई में तो लॉजिक था, ये क्या मैजिक दिखा रही है। ये पॉट हमारा है, इस बात का एक बहुत बड़ा विटनेस है ये चूड़ी का टुकड़ा जो हमारा है। बॉन्ड लेडी बॉन्ड। सेल नंबर भी बता दो। मैं चुप करना, पॉट यहाँ रहेगा तो रोज कम से कम पूजा तो होगी, और तू क्या करता है, तू तो इसे पानी भी नहीं डालता। चल। आयुषी, आज दूध नहीं आया इसलिए रसना बना दिया है, तुम भी पी लेना और रामू को भी पिला देना। मैं जाकर पापा को नाश्ता दे आती हूँ, उसके एग्जाम्स हैं, उसे बोलो पढ़ाई करने के लिए और घर का ध्यान रखना। पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। सुबह सुबह ये कहाँ से आ गया। ठंडे ठंडे रुकना जरा, नहाना चाहिए। कौन है वो, वो जो बाथरूम में चिल्ला चिल्ला कर गा रहा है। अपना जगत नहा रहा है, नहा। क्यों, चुपचाप नहाने से उसे नहाने की फीलिंग नहीं आती क्या? उस बाथरूम में सिर्फ वो ही नहीं, तुम भी नहाने जाओगी तो तुम्हें भी गाना गाकर ही नहाना पड़ेगा, समझ गई ना। ऐसा क्या है वहाँ? क्योंकि दरवाजे पर कुंडी नहीं है। नहाना चाहिए, गाना। एक इधर, हमेशा खोई खोई रहती है, लगता है तुझे एक जोड़ीदार ढूंढना ही पड़ेगा, तभी तू ठीक रहेगी। शरबत एसी, ए एसी। आप क्या है गुरु, दो मिनट के लिए आराम नहीं करने देते, अब क्या प्रॉब्लम है बोलो ना। तुझे तो पता है ना मैं सुबह सुबह बादाम का दूध पीता हूँ। हाँ तो आज तू शरबत मेरा दिमाग खराब करने के लिए लाया है क्या? शरबत ये कैसे आया? क्या दीदी, मुझे रसना दे रही हो? मम्मी ने कहा कि आज घर में दूध नहीं है। तो फिर तुम्हारे लिए बादाम का दूध कहाँ से आया? अरे बाप रे। माय डियर फोसे, कल मेरी पड़ोसन ने मेरा बादाम का दूध पी लिया, आज हमें उसके घर का सारा दूध पीकर खत्म करना है। ए, पतीले के दूध में जाकर ही मुंह मारना, कहीं और मारेगी तो ठीक नहीं होगा, समझ गई ना? समझे? अटैक। आहा, दूध का नाम लेते ही कैसे भाग रही है? जाना। मैंने इसे दूध पर अटैक करने के लिए भेजा था, कहीं उसी पर अटैक नहीं हो गया? मेरी बिल्ली को क्यों मार रही हो? तो और क्या करूं? इसने जो काम किया है उसके लिए इसे प्यार करूं? अरे बाप रे बाप रे, इसने तो बस दूध ही पिया होगा ना। अगर पतीले का दूध पीती तो कोई बात नहीं होती। हाँ? तो फिर इसने क्या किया? पुसी? ए, पुसी, क्या किया तूने? इसने हमारे घर का चूहा खा लिया। इस बात पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। क्या कहा? खुश होना चाहिए? तुमने ऐसा वैसा चूहा समझा है क्या? मैंने उसे कितने प्यार से पाला था पता है, मैं पूजा करती थी उसकी, मेरे बगल में आकर बैठा रहता था, प्रसाद देती थी ना, मैं तो कितने प्यार से खाता था, कितना क्यूट क्यूट था, तुम्हें पता है? आप ही की तरह क्या? तुम अपना मुँह बंद करोगे? तुम वहाँ क्या ढूंढ रहे हो? नहीं, आप कह रही थी ना कि आपने चूहे को पाला है, तो मैं बिल ढूंढ रहा था। मैंने उसे बिल में नहीं पाला था। तो क्या बिस्तर पर सुलाती थी? हाँ। नहीं तो क्या? लेकिन यहाँ बिस्तर तो कहीं नहीं दिख रहा। बिल्कुल। सब ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं जैसे 3D सिनेमा है। हाँ? पहले हमारा चूहा ला कर दो, फिर अपनी बिल्ली ले जाना यहाँ से। गेट आउट, ऐसे गेट आउट। चलो चलो गुरु, शिवाजी नगर तक ले आया। यहाँ बन से लेकर गन तक फर्स्ट हैंड हो, सेकंड हैंड हो, कोई भी सामान थर्ड हैंड तक सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? गुरु अगर नहीं मिला तो बगल में विधानसभा है ना, इस बोरे में चूहे भर कर ले जाएंगे। सही बात है। खोलो 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 खोलो। क्या है ये, खोलो खोलो क्या लगा रखा है? ओए, हमारी फूसी को खोलो बोल रहा हूँ। मेरा चूहा लेकर आए कि नहीं? पहले मेरी बिल्ली दे दो, फिर मैं तुम्हारा चूहा दूंगा। पहले मुझे मेरा चूहा दिखाओ। हाँ दिखा दो। ये लो। ये क्या है, ये तो सफेद चूहा है। अरे चाहे काला हो या सफेद, आपको चूहा चाहिए ना? चूहा ले लो, मस्त रहो। ओए, ऐसा नहीं चलेगा, हमने तो काला चूहा पाला था तो सफेद कैसे ले ले, हमें तो काला ही चाहिए। ओए, अगर काला चूहा चाहिए तो मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? एक बात बताओ, कहाँ चली गई? आप सफेद चूहा पालोगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? बिगड़ेगा या सुधरेगा तुम्हें उसे क्या? मुझे तो काला चूहा ही चाहिए बस। तुम ही इसे समझाओ ना, इसे मुझे काला रंग कितना पसंद है। इसे क्या हो गया? अरे गुरु क्या है ये? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये।
आपके इमोशंस मेरी समझ में आ गए हैं मैडम। मैं कहीं से भी काले चूहे को ढूंढ करके आपके घर में छोड़ दूंगा, ठीक रहेगा ना? देखो ऐसी, तो तुम मुझे ये बोल रहे हो ना कि तुम मुझे काला चूहा ही लाकर दोगे, फिर मैं तुम्हारी बिल्ली छोड़ दूंगी। अरे ले रुको ना। चलो हम निकलते हैं। चल 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 चल। क्वार्टर बोतल पी के पूरा सो गया। सोए रहे। इसको देखो, बीवी का हार बेच के आया है। ये देखो भाई, कैसे हो भांजे? क्या बात है मामा, बड़े दिनों बाद कब आए मुंबई से? बस भांजे, सीधा स्टेशन से उतर के तेरे पास ही आ रहा हूं। भाई मुझे क्वार्टर दे दो। तेरी शादी को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तूने पीना शुरू कर दिया। बहुत गलत बात है ये। जिंदगी बोरिंग है भाई, बिल्कुल बोरिंग। फैमिली बोझ बोरिंग है क्या? बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग। वाटर ले ले और सीधा घर जा। बिल्कुल बोरिंग। चुपचाप खा पी के सीधा बिस्तर पे जाना और पलट जाना। तेरे बच्चे अपने आप पैदा हो जाएंगे, है ना? चल निकल यहाँ से। बड़ा आया बोलने वाला, फैमिली को बहुत समझता है। राजा तथा प्रजा, हमारी गवर्नमेंट भी तो ऐसी है। रोड साइड पौधों को जिंदगी में कभी पानी नहीं देगी, लेकिन ऐसे बेवड़ों को दारू जरूर देगी। कहाँ हो सुशीला? कहाँ हैं आप? बस ये समझ लो कि मुंबई से सीधा उतर ही रहा हूँ, बस आते ही अपने मेडिसिन के जुगाड़ में लग। अरे मेडिसिन लेकर सीधा घर आ जाइए ना, यही पी लीजिएगा। ओके बाय। मैं हूँ तेरा प्रेम देवता, तू है मेरी सोन परी। मैं हूँ तेरा प्रेम देवता, तू है मेरी सोन परी। रारा रे री री रारी, रारा रे री री रारी, रारा रे री री रारी, रारा रे री री रारी। मैं हूँ प्रेम देवता, तू है मेरी सोन परी। भूत तो नहीं चढ़ गया तुम्हें? इतनी रात को सोना चाहिए, लेकिन तुम तोंद हिलाकर नाच रहे हो। दिन भर काम करके थक गया हूँ, लाइट ऑफ करो, सोने दो भाई। आज तेरा भाई फुल मूड में है। अगर पूरी बोतल भी पी लूँ ना तो भी ऐसा जबरदस्त किक नहीं मिलेगा। अरे भाई ये क्या, आपने चेहरे पर चूना क्यों लगा के रखा है? अबे गधे कहीं के, ये कोई चूना नहीं है, पाउडर है, पाउडर। भैया ब्लीचिंग पाउडर तो बाथरूम में डालने की चीज है ना। ए, अब तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अगर मैंने क्वार्टर लगा लिया ना तो तू सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। मूड मत खराब कर। किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल में खाए। ए, क्या हुआ है तुझे जो आधी रात को ऐसे पागलों की तरह तू नाच रहा है? प्यार हो गया गुरु, प्यार। प्यार क्यों भाई, सिर्फ कैशियर लोग ही प्यार कर सकते हैं, सप्लायर लोग नहीं कर सकते क्या? कर तो सकते हैं। वैसे है कौन वो बदनसीब लड़की? अरे वो कोई बदनसीब नहीं है, खुश नसीब है, हमारे छत वाली सोन परी आयुषी। ऐसे इधर आ। सिर्फ तेरे इश्क करने से हो जाएगा, उसका क्या? अरे गुरु वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुमने कितना कहा फिर भी उसने पूसी को छोड़ा क्या? लेकिन गुस्से में होते हुए भी साइलेंट होकर मेरे कहते ही पूसी को तुरंत छोड़ दिया। ऐसा क्या? और तुमने गौर नहीं किया वो किस हद तक मुझ पर लट्टू हो चुकी है? मुझे देखते ही काला ही चाहिए, काला ही चाहिए, काला ही चाहिए कहती है। ऐसी पहले जो तूने बताया ना वो ठीक है, उसके पीछे मत पड़, वो तुझे तल कर खा जाएगी। भाई वो इसे तल कर क्या खाएगी, इसमें बचा ही क्या है, पहले से ही जला हुआ है। अब सोता हूँ, शाम को मिलूंगी, बाय। काका आइए, मैं आपको रोड क्रॉस करा देती हूँ। ठीक है बेटा। काका कहाँ छोड़ना है आपको? वहाँ सामने बार है, वहाँ छोड़ दी। ये फॉर्म किस लिए? नेत्रदान लिखा है। नेत्रदान मतलब आंखों का दान। हाँ बोलो क्या चाहिए? पेपर देना। अच्छा, मैं साइन करूंगा तो क्वार्टर फ्री मिलेगा क्या? क्वार्टर क्या, फुल बोतल दे दूंगा। लेकिन एक और फॉर्म पर साइन करना पड़ेगा। कौन सा? किडनी डोनेशन। चुप, अपना काम कर। भाई आप घबराइए मत, साइन कीजिए। आश्रम में बच्चे कैसे हैं और आप कैसे हैं, सब ठीक है ना? जिसे दिखाई नहीं देता उसके लिए क्या ठीक और क्या गलत। बेटा तू आजकल आश्रम की तरफ आता ही नहीं है। क्या करूं दादाजी, आजकल ओनर भी शहर में नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। वैसे एक बात याद आई, यह है डोनेशन फॉर्म, छोटू दे इन्हें। 20 लोगों की साइन की है। इस बार तो बहुत साइन करवाए होंगे। साइन तो बहुत सारी हुई है लेकिन कलेक्शन बहुत ही कम है। इसे कलेक्शन क्यों बोलते हो बेटा, ये तो दान है। इस दान से 4 बच्चों को खाना मिलता है। सॉरी दादाजी, मैंने इसे गलत समझ लिया। पौधे का फूल किसी ने तो तोड़ा है, एसी ने तो नहीं तोड़ा होगा। एसी, एसी, एसी,
तूने मेरा ड्रमस्टिक्स क्यों छीन लिया? शाम को मेरे साथ पार्क में चलोगी? पानी पूरी खिलाऊंगा। उसके लिए तेरे साथ आऊं क्या? अच्छा तो उसके लिए अंबानी के साथ जाएगी क्या? अंबानी क्यों? तू है ना काला खलूटा। बड़े नखरे दिखाती है। ऐसे क्या हुआ? ऊपर आ। अरे ये क्या है गुरु, जब भी लड़कियाँ मिलती है तुम कबाब में हड्डी बन जाते हो। इधर आ मेरे राजा। हाँ बोलो ना। यहाँ पर जो फूल लगा था उसे तूने तोड़ा है क्या? हेलो ये बताओ, मैंने कभी भी तुम्हारे पौधों पर या लड़कियों पर बुरी नजर डाली है? मैं क्यों तोड़ूंगा उसे? किसी लड़की को देने के लिए। मैं किसी को फूल वूल नहीं देता, डायरेक्ट वरमाला पहनाता हूँ। तो फिर इस फूल को किसने तोड़ा? चोर को तो पकड़ कर ही रहूंगा। फंस गया। हाँ भाई आप उठाओ। ये क्या भाई, आपके हाथ से खून बह रहा है। कट गया है। अरे टॉवल दे जल्दी दे। चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, जस्ट मिस हो गया। चूड़ी का टुकड़ा। खिलने के बाद भगवान के चरणों में जाता है या फिर लड़की के बालों में? पकड़ो इसे। हाँ? आज के बाद फूल और फूल का पौधा दोनों ही आपका, जब भी चाहे तब ले लेना। बस इतना ही ना, कोई और सीन तो नहीं है ना? सीन दिखाओगी तो देखेंगे ना। चलो जाओ यहाँ से, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना है। फूल खिलने के बाद या तो भगवान के चरणों में जाना चाहिए या लड़की के बालों में। भैया भाभी आ गई है। चल अच्छा है, पर्दा लगा दे। चोर कहीं का? चोरी चोरी मुझे देख रहा है। अरे भैया हम तो पकड़े गए। अरे जस्ट अ मिनट, रुको रुको। हेलो धत, तेरी के सब तेरी वजह से हुआ है मोटे। अरे वाह हंसी वो। भैया एक मिनट रुको। हाँ हाय आंटी। हाय कब? हे इतनी छोटी सी उम्र में तो चाशी की सूझी है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। ऊपर देखिए। ये फूल लेगी भी या नहीं? हाँ लीजिए। ग्रेट, तुम्हारे लिए। You are the best. Love letter है। इसे सीने से लगाऊंगा। क्या हुआ?
भाई भले इसमें कुछ न लिखा हो पर आपके नसीब में वही लिखी है। हेलो मैडम, सफेद कपड़ों के लिए उजाला चाहिए, बदबू मारते बदन के लिए परफ्यूम चाहिए, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तुम हो। फिक्स है। नागा भाई, इस बार के इलेक्शन में स्पेशल क्या होगा? इस बार हम लोग एक धमाकेदार डांसर को बुलाकर मस्त लुंगी डांस करवा देंगे। बोल, क्या बोलता है? कर्नाटक के लोग मार के भगा देंगे हमको। भले ही तुम यहाँ के नहीं हो लेकिन यहाँ के लोगों की आदत अच्छी तरह से जानता है तू। कौन है भाई तू? अरे काम के लिए कम करता, कोई अच्छी सी चीज ले गया? तू मुंबई में किसके पास काम करता है? तू वहाँ क्या देख रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। भाई शिवाजी नगर में मुर्गी बेचता था, वही है ना वो? पता है, वो मेरा दोस्त है, बोलेगा तो सिफारिश करवा दूंगा, तेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट नहीं चाहिए सर, कलकत्ता प्रोग्राम का लुंगी डांस। पेमेंट बताओ, मैं देता हूँ। इसके सामने क्या बोल रहा है कुछ पता भी है क्या तुझे? मैं नागा हूँ। व्हाट नागा? ये मेरा इलाका है, पूरा इंडिया ही मेरा है। सियारों को मर्दानगी दिखाकर शेर बनते हो? शेर बनना है तो शेरों के सामने बनो। शेर दिखाता हूँ शेर तुझे। मेरी बात मानो, ये मुंबई वाला है, गन से ज्यादा बात करता है। अपने कदम पीछे ले लो नहीं तो पछताओगे। बोला था ना मैंने आपसे, बोला था ना मैंने। Where is the toilet? Where is the toilet? भाई तुम लोग टिप्स के लिए तो दौड़ दौड़ कर आ जाते हो भाई, लेकिन ये बाथरूम ठीक से साफ नहीं कर सकते। भाई वो थोड़ा सा जाम हो गया था, उसे ठीक कर देंगे। आप एक काम करो, ऊपर चले जाओ। क्या ऊपर? मेरा मतलब ऊपर का टॉयलेट इस्तेमाल कर लो। आँख में तेरा ही चेहरा, आँख में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी याद। माँ मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। ठीक है बेटा। आँख में तेरा ही चेहरा, आँख में तेरा ही चेहरा, वो पायल की चंचल और सुंदरी। पायल की छनछन, ओहो सुंदरी है। ये कौन है बाबा? कौन है ये मुंबई की मिठास? रुक 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 रुक, ए हेलो हेलो। भाई सुबह से आपने सस्पेंस बना रखा है, हमें टेंशन दे रहे हैं आप। आखिर बात क्या बताइए? बिल्कुल, और थोड़ा और देना। नहीं है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। माँ मेरा सर बहुत दुख रहा है, एक कप कॉफी बना दो ना प्लीज। आयुषी बारिश आने वाली है, तुम एक काम करो छत से जाकर कपड़े ले आओ, तब तक मैं कॉफी बना देती हूँ। देख कपड़े उतारने का बहाना बना के मुझे देखने आई है वो। भाई ये तो फिल्म के हीरोइन के जैसे दिख रही है। फिल्म की हीरोइन भी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी, ऐसी कयामत है ये। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। आयुषी ये लो कॉफी। माँ मेरा इनरवेयर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हवा से यहाँ वहाँ हो गया होगा। आयुषी ढूंढ लो, मैं जाकर रामू को ले आती हूँ। ठीक है माँ। आ, 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 आ,
भाई एक जरूरी काम मेरे दिमाग में आया है, लेकिन पहले मैं फोन पे कंफर्म करूंगा। क्या कहा? वैसे भी आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है भाई, जरूर यहाँ कुछ होने वाला है। कावेरी वाटर हो या लड़की का मैटर हो, दोनों को छुओगे तो मार ही खाओगे। किसको धमकी दे रहा है रे? तेरी बोटी बोटी कर दूंगा मैं। नागा हूँ मैं, क्वाट नागा। ए, ताड़ी के पेड़ से दारू निकालते देखा होगा, इंसान की दारू निकालते देखा है क्या? अगर मैं तुझे मारूंगा ना तो जहाँ से खून निकलेगा ना वहाँ फेविकॉल तो क्या, फेविक्विक लगाने से भी खून बंद नहीं होने वाला। तेरा चेहरा तो एकदम खिलखिला रहा है। ए, सोच मैंने तुझे क्यों नहीं मारा? मैं अच्छा इंसान हूँ ना, इसीलिए आपने नहीं मारा। अब क्यों मारा मुझे भाई? ए, उस जैसे नामर्द के साथ रहता है ना, इसलिए।
एक और बार उसके साथ दिखाई दिया ना। धंधे को बर्बाद मत करो भगवान के लिए, अब तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लो। सर नहीं सर, सर माफ कर दीजिए ना सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। सर सर कुछ तो बोलिए सर, भाई जा रहे हैं सर। जगह उस दिन वो मैं नशे में था तो मुझे मार कर निकल गया ना, अब मिलने दे उसे, मैं बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। भाई आपसे पंगा लेकर मैं यहाँ इस एरिया में अपना बार चला पाऊंगा क्या? इसीलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। मैं निकाल दिया ये वो नामर्द खुद ही डर के भाग गया यहाँ से। कौन है नामर्द कौन है? कल भैया ने दिखाया था ना। भाई ये तो छोटा बच्चा, इसे क्यों मार रहे हो भाई? भाई अंदर देख लिया, अंदर नहीं है वो। अच्छा उसे बोल देना अगर वो मेरे सामने भूल कर भी आ गया ना तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि उसकी बोटी बोटी करके फेंक दूंगा, बता दे रहा उसे। हाँ चलो रे यहाँ से। भाई हम लोग यहाँ पर आए हैं फिर भी ये सामने खड़ा है, बोलो तो अभी मसल कर रख देता हूँ इसे। भाई आप बोलो तो काट कर रख दूंगा उसे। कहीं गाँव तो नहीं चली गई? ए, क्या बात है, ये तो बड़ा स्माइल दे रहा है रे। कॉन्फिडेंस है भाई कॉन्फिडेंस, आपको छठी का दूध याद दिला देगा, ऐसा कॉन्फिडेंस है उसको। हाँ ना, उसमें शिवाजी ने पाइप को उखाड़ने के बाद दुश्मनों को इतना मारा इतना मारा इतना मारा इतना मारा। भाई डर लग रहा है क्या? डर किसे लग रहा है? मुझे डर नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। सुनिए पानी लेना है, पाइप दे दीजिए। भाई वो औरत ने आज देवी का रूप लेकर आपको बचा लिया भाई। जोगी का सीन तो देख लिया, किसी नई फिल्म का सीन स्टार्ट हो उससे पहले यहाँ से निकल ले। जगत मेरी एक बात का जवाब दोगे? दुनिया में बिना क्राइम के रहने वाले तो जरूर होंगे, लेकिन बिना प्यार किए भी लोग रहते हैं क्या? ये लड़कियां ना
प्यार करने से पहले सोचती तो हैं, लेकिन प्यार करने के बाद भी सोचती हैं। हम लड़कियों की प्रॉब्लम तुम क्या समझोगे? हम जो काम कर सकती हैं वो तो हम करते ही हैं, लेकिन जो हम नहीं कर सकते वो तो दूसरों को ही करना होगा ना, और अब वो काम तुम्हें करना होगा। अरे डर क्यों रहे हो? मेरी ब्लाउज का हुक खुल गया है, थोड़ा लगा दोगे? अच्छा, हुक्स? ऑफर तो बम्पर है, लेकिन पब्लिक के बीच में? प्यार करने से पहले मैं सर पर झंडू पाम लगाती थी, और तुमसे प्यार करने के बाद आयोडेक्स लगाना होगा। चलो जगत, फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे तुम्हें एक किस दोगे क्या? क्या? ये क्या, तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस है किस करने का। बंदर को कूदना सिखाना नहीं पड़ता। लड़की सेब की तरह मुलायम है और तू अखरोट की तरह हार्ड लगता है। खैर जो भी हो, तेरा टाका तो भिड़ गया ना, वैसे फ्यूचर का कुछ सोचा है क्या? मतलब बैठ जा। बैंक बैलेंस, बिजनेस या फिर घर बार? ये सब तो कुछ भी नहीं है, बस अच्छी नियत है, बरकत अपने आप हो जाएगी। देख वो क्या है कि अच्छी नियत से काम करने से ही सब कुछ नहीं होता, प्लानिंग करनी पड़ती है। देख भाई, फर्स्ट नाइट प्लान नहीं किया है तो चलता है, फ्यूचर प्लान नहीं किया तो फंस जाओगे। देख सिर्फ अच्छी नियत से जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती भाई, पैसा है तो तू बॉस कहलाएगा, तेरे पास ताकत है, तेरे पास हिम्मत है, तुझे तो एकदम सेट कर दूंगा मैं। मुंबई चलेगा मेरे साथ? तुम भी ना, अगर तुम्हारी बात मानकर मैं मुंबई आऊंगा तो ये तो ऐसा होगा जैसे एक गरीब दूसरे गरीब का नसीब लिख रहा है। आश्रम के बच्चों के साथ टाइम बिताना मेरे नसीब में लिखा हुआ है, चलता हूँ। मुंबई में अपने अड्डे पर कैसो कैसो को लाकर नचा दिया मैंने, ये तो मेरे को नचा रहा है गणेश आचार्य। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? कब से मेरे बालों के साथ ही खेल रही हो, चलो अब बस भी करो यार प्लीज। एक तो इतने प्यार से तुम्हारे बाल सहला रही थी और तुम्हें बुरा लग रहा है, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली तुम्हें कहीं और मिलेगी क्या? क्या बोल रही हो तुम? जब मैं छोटा था ना तो गर्दन उठाकर चंदा मामा देखता था, तो मेरी गर्दन में दर्द ना आ जाए इसलिए मेरी माँ बर्तन में पानी डालकर चांद को मुझे नीचे ही दिखा देती थी, पता है क्या? आहा, मैं तुम्हें अपनी आँखों में ही दिखा दूंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने एक छोटी सी पोयम लिखी है, सुनोगे? हाँ? सुनाए बिना तो छोड़ोगी नहीं, चलो ठीक है मैं सुन रहा हूँ। पहले अपने कान से कॉटन निकालो। पानी के सागर को पार करने के लिए नाव चाहिए, जीवन के सागर को पार करने के लिए बस प्यार चाहिए। कैसी लगी? hey, प्यार से जिंदगी चलती है क्या? जिंदगी बिताने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या पोयम लिखी है इसने? तो तुम लिखोगे क्या? अगर लड़कियों के भरोसे दुनिया चलती ना तो बंजर जमीन पर भी फसल उग जाती। मैं कुछ भी बोलूं तुम्हारे पास उसका जवाब रहता है। आई हेट यू। hey, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। ए आयुषी, अरे अरे सुनो, ये लड़कियों का प्यार और चाइना फोन दोनों एक जैसा ही है, दोनों की कोई गारंटी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए दादाजी, उधार की रकम तो छोड़िए, आपने उसका ब्याज तक नहीं दिया है, सब मिलाकर 30 लाख रुपए हो गए हैं। कोर्ट से कुर्की का ऑर्डर आया है। ऐसा मत बोलिए साहब, ये बिना आंखों के बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे? क्या सर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और पता नहीं किस किस का कर्जा आप लोग माफ करते हैं, ये तो बेचारे अंधे बच्चे हैं, इनका कर्जा माफ नहीं कर सकते। देखिए, हम कोई नेशनलाइज्ड बैंक से नहीं है, हम कोऑपरेटिव बैंक से हैं, हमको ऊपर जवाब देना होता है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अगर अभी पैसा मांगेंगे तो कहां से लाएंगे सर? दादाजी करोड़ों का बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं, इन बच्चों के चेहरे देखिए सर, बिना आंखों के दादाजी बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, आप कम से कम रहम दिल तो हो जाइए, जरा सोचिए सर। ओके,
छह महीने का टाइम देता हूँ, उतने में सब क्लियर कर देना। मैं खुद क्लियर करूंगा, वरना लॉ के हिसाब से जब्त करके ताला लगा देंगे। ये आखिरी चांस है, ठीक है ना? हम चलते हैं। ओके ठीक है सर, चलिए भाई, नमस्ते। चलिए भैया, क्या ये लोग हमें यहाँ से निकाल देंगे? अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे काका? इतना कर्जा क्यों लिया था दादाजी? ये आश्रम बनाते समय मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने 10 लाख का कर्जा उठाया था। सब पर ब्याज बढ़कर अब 30 लाख हो गया है। ये सब क्या हो रहा है? मामा, आप बोल रहे थे ना, मैं मुंबई चलूंगा आपके साथ, पैसे तो कमा लूंगा ना। अरे क्या बात कर रहा है, क्या गिलास दिखाती गाय दूध दे देती है क्या? उसके पास जाना पड़ता है ना, उसे दूना पड़ता है। तू अभी तक मुंबई आया नहीं और उसके पहले पैसों की बात कर रहा है। देख, खाना खाने के पहले प्लेट के बारे में सोचना पड़ता है और खाना खाने के बाद पानी के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। बोल। देखिए, इस आश्रम पर 30 लाख का कर्जा है। देखो इन सबको, देखो ये राजा है। राजा, इन सबको आंखें दिलानी है मामा, हो पाएगा? देख भाई, सबके जीवन में कभी ना कभी गॉडफादर जरूर आता है, और जिस दिन वो हमारे जीवन में आता है, उस दिन हमारे जीवन के एक एक करके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं। अगर तू हाँ बोलेगा तो मुंबई चलते। मैं चलूंगा, मैं मुंबई चलूंगा। अरे मुंबई से आया मेरा दोस्त, मुंबई से आया। मुंबई में मेरे भाई, जो सपना तू देखता है ना, उसे दूसरे को नहीं बताते। अरे अरे, चोरी कर लेते हैं लोग। ए भाई, चाय खोल रही है, सपना देखना थोड़ा कम कर दे। चतुर नार बरोश। चाय। थैंक यू। क्या मामा, सिनेमा के सारे डब्बे यहाँ पड़े? तुझे पता नहीं है क्या? मैं मुंबई हीरो बनने आया था। ए, 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 तुझे पता है किसके अपोजिट काम किया? कौन? अमिताभ बच्चन के अपोजिट। और आपका क्या लगता था मैं? अच्छा। अरे उस समय सलमान अलमान थोड़े ही थे, ये 6 पैक 8 पैक थोड़े ही चलता था, 25 पैक चलता था। 25 पैक? चेहरे पर 4 पैक था और पीछे की तरफ 6 पैक था और बाकी सब जगह 2-2 पैक थे। इस तरह से कुल मिला के पूरी बॉडी में 25 पैक थे। 25 पैक्स 25 वीक्स। 25 हफ्ते चली थी आपकी ये फिल्म? हमारी नहीं, अमिताभ बच्चन की। मैं तुझे एक स्पेशल जगह पे ले जाऊंगा, तू सारे चिल्लर इकट्ठे कर ले, अभिषेक करना होगा ना, और फिर तू देखना, और फिर तू देखना वहाँ पर। उस फिल्म में इतनी फाइटिंग है, कट करो तो क्या फीलिंग आती है। कट बोलते ही फटाक से लवर आ जाती है। डेटिंग फीलिंग मदर लवर डेटिंग फीलिंग गलग 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 गलग, यही चलता रहता है। सच में मजा आएगा, तू तैयार हो जा, जल्दी 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 तैयार। क्या स्टोरी है मामा, मैं चलता हूँ। क्या बात है, मैं गाँव जा रहा हूँ, ये आपका सिनेमा वगैरह नहीं देख सकता। अरे मैं तुझे सिनेमा दिखाने नहीं ले जा रहा हूँ, मुश्ताक भाई के पास ले जा रहा हूँ, तैयार हो जाना। मुश्ताक भाई? हजार के लिए तूने दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया ना है? पैसा हजारों में हो या लाखों में, अब से गलती देने वाले को मैं कभी माफ नहीं करता। भाई माफ कर दो, भाई माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा। मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई। तूफान के साथ लड़कर कोई बच सकता है, मगर मुश्ताक के साथ लड़कर कोई नहीं बच सकता, सिर्फ मर सकता है भाई मुश्ताक। बहुत सही है यार, 22 में 20 लाख है।
चल जा इधर से। भाई जान दारू नहीं पीता, मालूम नहीं है क्या? मामा हाँ, ये सो रहा है क्या? ऐसा क्या? हाँ हेलो जगा दिया इनको, नमस्ते कर ले लगे रहो लगे रहो सारी व्यवस्था आपने परी कर दिया है, क्या बोलता है? ताकि कोई भी लड़का मुश्ताक भाई को छोड़कर ना जाए, क्या आइडिया है? लॉयर है लॉयर? मैं नहीं मानता। ए भरोसा तो मुझे भी नहीं हुआ था। क्या मामा, ये तो खंडहर लग रहा है। सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। बेंगलुरु से लड़का लेकर आऊंगा ये कहकर तू मुझसे एडवांस लेकर गया था ना, कहाँ है रे छोकरा? हैं भाई, बेंगलुरु का लड़का है आ? जगत नाम है, अच्छे अच्छे को पीस डालता है भाई, बहुत अच्छे से भाई। ये जो मुंबई की फटी हुई हालत है ना, उसमें सब कुछ मिलाकर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड सिल्वर सब मस्त कर देगा, बहुत काम का है भाई। रंगा ये जो धंधा है ना, ये बच्चों के साथ खेलने वाला खेल नहीं है, मौत के साथ खेलने वाला है। इधर जीतने के लिए घोड़ा चाहिए, गधा नहीं। भागना है तो घोड़ा चाहिए, हाथ मारने के लिए तो गधा ही काफी है ना? लड़का लोकल है तो कुछ भी बोलेगा, बहुत घमंड है। है क्या भाई? सभी की बॉडी में बीपी शुगर दोनों होते हैं, आंतड़ी को कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें चर्बी बहुत होती है। डेमो देने के लिए मैं कोई 3 इंच का साबुन नहीं हूँ, 6 फुट का लोहा हूँ। भाई के सामने आवाज ऊंची कर रहा है क्या? तेरी तो मैं बताता हूँ भाई, खुद देखा है भाई, अपनी आंखों से देखा है भाई, कोई पाउडर कोई साबुन नहीं, ऐसे ही धो डालता है। देखिए मुंबई के लिए एसिड बनेगा भाई, रख लो भाई। इतना बड़ा खिलाड़ी है। हाँ। देखते हैं। नहीं इस खेल में मैं नहीं हूँ। हाँ। मैं जा रहा हूँ खाना खाने। आजा देखते हैं कितनी चर्बी है। जितनों की फोटो ली है उनमें से कोई भी बच गया तो मुझे उड़ा देना, इसे लोड कर लो। मेट्रो प्रोजेक्ट लेट है लेकिन ट्रेन फास्ट है, और मैं उससे भी फास्ट हूं। अरे रे 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 रे, तेरे अंदर तो बहुत सारा गर्म खून है रे, मैं तो तुझे हल्के में ले रहा था। अरे तूने तो मुंबई में फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही क्लाइमेक्स दिखा दिया। अच्छा तूने कभी इस फिल्म में काम किया है क्या? क्या बात करते हो मामा, हाँ। वो ओम फिल्म का फर्स्ट सीन मैंने हाँ। ही तो किया था। जय हो आपकी जगत महाराज। अरे मामा
तुमने तो बोला था कि काम दिलाऊंगा तो उस छक्के के पास ले गए और कोई मिला नहीं। अरे तू क्या करता, तू 6 महीने में 30 लाख कमाना चाहता था तो तुझे ऐसे लोगों के पास ले जाना पड़ेगा ना। ए, ये मुंबई है, बैंगलोर नहीं। सब सेम है, यहाँ बीच है तो वहाँ सैंकी टंकी का पानी है और क्या। बैंगलोर सॉफ्टवेयर सिटी है रे, जिसने पढ़ाई की उसे काम मिलता है। मुंबई हार्डवेयर सिटी है, जो मारता है उसे मिलता है। समय के साथ सब समझ जाएगा तू। अच्छा ये बता, तू मुंबई कभी आया नहीं, फिर यहाँ की भाषा कैसे बोल रहा था तू? हाँ बता ना। बाहर में काम करने वाले को और नाई को भाषा सिखाने की कोई जरूरत है क्या? हाँ सही कहा, मधुशाला इंटरनेशनल स्कूल। अब से पौधा और उसका फूल आपका है, जब भी चाहो तब ले लेना। भाई मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है भाई। नेक्स्ट वीक आना। मैं ऑलरेडी मुंबई में आ चुका हूँ भाई। अरे डील में हूँ मैं अभी। भाई ऐसा मत बोलो भाई, मैं आपके भरोसे ही तो यहाँ पर आया। ए, पता है तू आया तो जरूरी काम होगा। चल एड्रेस देता हूँ, लिख ले। वालेकुम सलाम। सलाम भाई। क्या रे नागा, बेंगलुरु में तू बहुत बड़ा स्टार हो गया है, जहाँ देखो पेपर में तेरे ही न्यूज है। बाहर में टिप्स लेने वाला लड़का तुझसे पेमेंट ले गया। 2 महीना होने के बाद भी तेरा बैंडेज निकला। भाई क्या बताऊं, उस सरफिरे लड़के ने इनको सर से पांव तक इतना धोया है कि 4 महीनों बाद भी सपने में वो ही लड़का आता है और बात करते हैं बहादुरी की। भाई आप वो कोई डील के बारे में बोल रहे थे? यहाँ भाई भाई में प्रॉपर्टी का झगड़ा है। हमारे ऑपोजिशन वालों ने इसके भाई से 40 लाख लेकर दुकान खाली करवा दी और मैं 60 लाख लेकर उसके भाई को यहाँ से भगा रहा हूँ। अब फील्ड है तो दुश्मनी होगी ना भाई? भाई अब दुश्मनी बोलते हो तो कोई गैंगवार तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या भाई, ऐसा लग रहा है किसी स्ट्रॉन्ग टीम को अंदर भेजा है आपने। टीम? वन मैन आर्मी है, सोलो सोलो। भाई जिसने मेरा हाथ तोड़ा ना, उस खजूर का रस निकालने के लिए यही आदमी बेस्ट होगा। ए, ला देना। ए, भाई ये एडवांस है, रख लीजिए। भाई अब आप अकेले कहाँ पर जा रहे हो? मैं उस वन मैन आर्मी को देख कर आता हूँ। भाई थोड़ा ना संभल कर जाना। ए, सुन ले, दोबारा अगर टोका ना तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अरे बाप रे। Oh!
क्या हो गया भाई? आपने तो एडवांस दिया था और आप उल्टा मार खाकर यहाँ पर आ गए। हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस जंप करके देख रहा था कि मैं क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही चेक करने गया था। वो तो सुपर है, टाइगर है। ये लो भाई बाकी का बैलेंस, और उसकी हड्डी पसली एक होनी चाहिए। हाँ। किसको मारना है ये तो बता, फोटो दिखा उसका। hey, फोटो तो दिखा। जल्दी से फोटो निकालना रे। फोटो का क्या करोगे भाई, आपको सामने ही लाइव दिखाता हूँ, वो देखो। भाई क्या हो गया भाई? यार उसे देखते ऐसा लगता है कि उसने बहुत मारा है। इतने से लगता नहीं कि उसने मारा है। मुंबई, इस शहर के नाम में ही भाई। अगर इनके बीच में भगवान भी यहाँ आ जाए और उन्हें बचाना हो तो उन्हें भी भाई बोलना पड़ेगा। यहाँ हर चीज कीमती है, लेकिन भाई लोगों के कारनामे कुछ ज्यादा ही कीमती। यहाँ परमानेंट किसी ने राज नहीं किया और ना ही जिंदा बचा है। ये है एसीपी अक्रम। डिपार्टमेंट तो खाकी है लेकिन भाई लोगों का इन्फॉर्मर है। मुंबई के सारे छोटे भाइयों को कंट्रोल करता है एक ही बड़ा भाई, मुन्ना भाई। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना भाई। नमस्ते। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी। सलाम वालेकुम। सेक्शन 2915, योर एक्यूज्ड सिद्धू, बेल पिटीशन रिजेक्टेड बाय सेशन कोर्ट। नाउ वी हैव टू अप्रोच टू हाई कोर्ट फॉर सीकिंग बेल। गॉट इट? वकील, तेरे लिए भाई को इंग्लिश सीखना पड़ेगा क्या? नो 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 नो, आई विल लर्न हिंदी इन अ वीक। तो चल हिंदी के क्लास ज्वाइन कर। कैसा चल रहा है धंधा? सब आपकी दुआ है। तू मुझे भीख दे रहा है क्या? भाई का 25% होगा मालूम है ना? मुंबई ना कोई भाई का है ना किसी के बाप का, जिसकी ताकत चलेगी उसी की हो गई मुंबई। भाई को तो मैं टपका दूंगा, बस तू अपना मुंह बंद रखना। तेरे को तेरी भीख मिल गई ना, तू जा। एक बुलेट अगर तू खाया अकेला तो अच्छा, वरना तेरा पूरा खानदान खलास। ये बात मैंने नहीं, भाई ने बोली है। घर में कौन कौन है? बूढ़े माँ बाप 20 लाख, और एक छोटी बहन जिसकी शादी होने वाली है 25 लाख, और एक छोटा भाई भी है। जवान है ना, कमा के खा लेगा। Oh!
दादाजी बैंक का लोन चुकाना शुरू कर दिया है, बस थोड़े दिन में चुकता हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बच्चों का ध्यान रखिए और कुछ जरूरत हो तो बताइएगा। हाय बेबी। अरे जब भी मुझे देखती हो तो मन में बड़बड़ाती हो, अब सामने आया हूँ तो बात तो करो। हे जगत, ये तुम ही हो। वैसे आजकल तुम बहुत ही खोई खोई और उदास रहती हो, बोलो ना बात क्या है? अगर बोलोगी तो हर हफ्ते में एक क्वार्टर और एक बियर तुम्हारे घर भेज दूंगा। नशे में रहोगी तो खुश रहोगी। ओके। ये तो सीधे मानी गई। ये बाइक किसकी है? ये बाइक नहीं है, बुलेट है। हमारी ही है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसके बदले एक अच्छी सी कार भी ले सकते थे ना। करोड़ों रुपए की BMW भी खरीद लो तो अभी 10 रुपए का पंचर बनाने के लिए दुकान पर तो जाना ही पड़ता है ना। तुम लड़कियों की बातें ना कुछ समझ में आती ही नहीं है। वैसे मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ अपना घर कैसे बसाऊंगा। उसकी तुम चिंता मत करो। हाँ। एक कप दूध दोगे तो उसकी कॉफी बना दूंगी। ओहो। और अगर एक ग्लास दूध दोगे तो खीर बना दूंगी। ठीक है। सुपर यार, क्या बात बोली है तुमने। जरा वहाँ देखो। कमाल है यार, 3 महीनों में इतनी गोरी हो गई हो। कहीं दूध में ब्यूटी सोप मिलाकर तो नहीं पी रही हो ना? मैं तो इससे भी ज्यादा गोरी थी, तुम्हारे ख्यालों में खोकर। हाँ। मैं इतनी डल हो गई हूँ। और माँ कसम तुम लड़कियाँ ना बहुत झूठ बोलती हो। वैसे अगर तुम मेरे ख्यालों में खोई भी थी तो 3 महीनों में 6 किलो वजन बढ़ेगा। ये सब मेरे प्यार का असर है। चलो पापा, मैंने आपसे कहा कि पटाखे दिला तो आपने मुझे कपड़े दिला दिए। पापा बेटा पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, पटाखा फोड़ना मतलब पैसों में आग लगाना। ये कपड़े कम से कम 3-4 बार तो पहनोगे, है ना बेटा? देखो वो पार्क कितना अच्छा है। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? मुझे पढ़ने का तो बहुत मन था लेकिन मैं 10th फेल हूँ। 10th क्लास फेल? क्या हुआ, अभी से हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया क्या? हिसाब किताब तो लाइफ में होता है मैडम, प्यार में नहीं। देखो तुम लड़कियां ना हमेशा समंदर में डुबकी लगाने की सोचती हो, लेकिन हम लड़के हमेशा हर हालात में खुश रहते हैं। अच्छा ठीक है, ए जगह चलो ना उस भविष्यवाणी वाले के पास जाकर तुम्हारा भविष्य जानते हैं। हम जैसे लड़कों का नसीब शास्त्रों में नहीं लिखा होता, तुम जैसी लड़कियों के हाथों में लिखा होता है। जब तुम हमें छोड़कर चली जाओगी तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए कृपा करके मेरा हाथ मत छोड़ना। चलो आज रात मैं मुंबई जा रहा हूँ। फिर कब आओगे तुम? आश्रम का कर्जा चुकाने के बाद। पापा क्या हुआ? ये क्या हुआ? पापा उठिए पापा। ये क्या पापा? आप दारू पी कर आए? पापा क्या हुआ? देखो देखो, इतनी परेशानी में था, कभी दारू नहीं पी मैंने, आज तेरी वजह से दारू पीनी पड़ी मुझे। तूने प्यार किया ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तूने जिससे प्यार किया वो इंसान गलत है बेटा। एक अनपढ़ आदमी के साथ कैसे अपना घर बसाओगी बेटा? वो बियर बार में काम करता है। कहीं तुम अपनी जिद के चक्कर में अपने इस बाप को जिंदगी भर के लिए बेवड़ा मत बना देना बेटा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर भी जोड़ता हूँ। रोशनी रोशनी जा देखो वहाँ रोशनी, लेकिन हमारी जिंदगी में अंधेरा है। पता नहीं कौन सी किस्मत लेकर हम पैदा हुए हैं। क्या हुआ मामा? यहाँ सबको इंग्लिश आनी चाहिए। हम यहाँ हाथ में बंद पकड़ कर खुश होते हैं और हमारे हाथ में गन पकड़ा दिया, बोला काम पे जाओ। सही कह रहे हो मामा, अगर हम सही रास्ते पर चलें तो सब हमें कटोरा पकड़ा देते हैं। सही। और उसी जगह हाथ में बंदूक हो तो हम गोलियां चला सकते हैं। क्या बात है ना मामा? फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। सही जा रहा है। आयुषी, स्मेल तो नहीं आ रही ना? फोन में कौन सी स्मेल? रे पागल। आयुषी पता नहीं मुझे आजकल बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं।
तुम लड़कियों को सुनहरे सपने ही आने चाहिए क्या हमेशा? कभी कभार बुरे सपने आ गए तो क्या हो गया? तुमने दारू पी? नहीं तो तुम तो जानती हो ना, मैं हमेशा बादाम का दूध पीता हूँ। प्लीज, मैं बहुत सीरियसली बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, मुझे यहाँ की कंडीशन समझ में नहीं आ रही, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ मुंबई आना चाहती हूँ, तुम मुझे लेने आओगे तो ठीक है, वरना मैं खुद ही आ जाऊंगी। तुम सुन रहे हो ना, मुझे तुम्हारे पास आना है। हेलो, हेलो सुशीला। बेटी की मेडिकल सीट के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, ये बताए, 1 महीना हो चुका है। आखिर कब तक ऐसे दारू पीकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहोगे? तुम अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर रहे हो, ये तो सोचो अपनी बेटी का क्या होगा। रुक, मैं कुछ करता हूँ। दस लाख कहाँ से लाऊं 10 लाख? मामा, अरे क्या कर रहे हो? ऐसे नीट मारोगे तो किडनी खराब हो जाएगी। चलो उठो। सही बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। भाई, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। ये सब अपने ही आदमी है, तू आराम से बोल। मेरी बेटी को मेडिकल सीट दिलाना है, 10 लाख रुपए दीजिए ना भाई। ए निकम्मे, सुबह सुबह नाश्ते में तेरे लिए सूप, दोपहर को खाने में चिकन बिरयानी, शाम होते ही खाना और छमिया, रात गुजारने के लिए लड़कियों को भेजकर महीने महीने तेरे ऊपर पैसे खर्च करके मेंटेन कर रहा हूँ तुझे। अब भी 10 लाख मांग रहा है? नमक खाया है मेरा तूने? नमक? ए नजर नीचे नीचे रख। ये ले रख, उसके ऊपर निशाना लगा, उसके ऊपर निशाना लगा, लगा मार उसे। कांप रहा है ना? बुड्ढा हो गया तू, बुड्ढा हो गया। ला रे 10 लाख ला। ये ले रोकड़ा, 10 लाख, 10 लाख है, लेकर जा, जा। भाई, भाई। अपनी बेटी को यहाँ ले आ और मेरे बिस्तर पर सुला दे। क्यों? भाई, भाई, भाई ये ठीक नहीं भाई, भाई। किसको भाई चाहिए ये? इसकी बेटी मेडिकल है, इसको चाहिए इसकी हीरोइन। पैसे बुक कर ले, मेडिकल है मेडिकल, बीमारी होगी तो फोकट में इलाज हो जाएगा। भाई ये, क्यों ये गलत? कम हो गया क्या? ज्यादा हाँ? चाहिए? दुबई भेज दो। भाई मैंने ईमानदारी से काम किया भाई, ऐसा मत कीजिए भाई, भाई भाई ऐसा और भी चाहिए क्या? नहीं नहीं भाई। मामा को निशाना लगाने के लिए बोला, हाँ इसलिए मैंने मारा। ये तो फेस बॉल है, पैसा रख, फेस बॉल सीधा तेरे सर पे मारता हूँ। लगा तो पैसा, मंजूर है क्या? अपना ही लड़का है, अच्छा लड़का है, थोड़ा पिए हुए है ना। चल चल।
क्या हुआ? भाभी आप जरा अंदर जाइए, उस कमीने को वहीं पे टपकाना था भाईजान, उसने अड्डे पर आकर ये सब किया और आप चुप है। क्या करें, अड्डे पर जितने भी लड़के खड़े थे सब पर उसने कब्जा कर रखा है नामाकुल ने। ऐसे ही छोड़ेंगे तो मुंबई में हम लोगों को भीख मांगना पड़ेगा भाईजान, टपकाना है उसको, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा भाईजान। ए छोटू नहीं, तू शिकार में शेर को मारने जा रहा है, खरगोश को नहीं। और शेर को मारना हो तो फिर हथौड़े से नहीं दिमाग से मारना होता है। सर कब गायब हुई है वो? कल सर। लव का मामला है क्या? मीटिंग में था जब रंगा ने आकर मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसे डांट दिया, मुझे माफ कर दो। मैं भी भड़क गया था भाई। रंगा 10 लाख मांग रहा था ना? आकर ले जाओ। मैं डैनी के साथ टैक्सी में आ रहा हूँ, तुम आ जाओ। मार डालो उसे। मैं आयुषी बोल रही हूँ। बोलो आयुषी। मैं मुंबई के वीटी स्टेशन के पास खड़ी हूँ। ए, ये क्या मजाक कर रही हो? अपने घर वालों को छोड़कर क्यों आ गई? मुझे पता था तुम मना ही करोगे, लेकिन तुम मेरी घर की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे एक जरूरी काम है, मैं रंगा को भेजता हूँ। जल्दी भेजना। हाँ हेलो जगत, अरे बिना बताए कहाँ गायब हो गया? वो मुश्ताक भाई का फोन आया था, कल की बात के लिए माफी मांग रहे थे और बोले कि रंगा को 10 लाख रुपए चाहिए थे ना, तो मुझसे कह रहे कि आके ले जा। सुअर को अगर मिनरल वाटर पिलाओगे तो उसे पचेगा क्या रे? हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो मामा, कभी पॉजिटिव भी सोचा करो, दुनिया हमारी है। और वैसे भी अभी अपना दिमाग खराब मत करो। अरे हाँ मामा, अभी आयुष आई है, मैं आपको बताना ही भूल गया। हाँ। वो बीटी स्टेशन पर इंतजार कर रही है, आप जल्दी वहाँ पहुँचो। मैं भी आ, ए, ध्यान से। आप बोलते दोस्त ये भी अपन दोस्त भाई, किसको भाई? किसको?
को धमकी देता है तू? मैं तेरा इधर इधर कबर बना देगा तेरा। चश्मा लगा लेने से तू बच्चन तो नहीं बन जाएगा बे। तू सिर्फ बच्चा है, वो भी छोटा सा। चल चल चल, अपने भाई को फोन लगा, बेड के साथ ब्लड भी बुक करके एम्बुलेंस भेजने को बोल। चला मार साले को मार। को मत छोड़ना है, ताले रंगा को फोन लगा। हेलो रंगा, कमीने, तेरा कुत्ता, तेरा चेला मेरे भाई को मारकर भाग गया है। वो क्यों मारेगा? वो तुम्हारी तरह जुबान से फिरने वाला नहीं है मुश्ताक। उसके साथ तुझे भी मार डालूंगा मैं। ए, हिम्मत है तो हाथ लगा के देख उसे। तुम दोनों मुंबई छोड़कर नहीं जा पाओगे। इधर ही दफन कर। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। मुझसे क्यों झूठ बोला इसने कि पैसे लेने जा रहा हूँ? उससे ही पूछता हूँ। उनको भी यही टाइम पे खराब होना था। हेलो स्मिता, इधर ही रहना, मैं आता हूँ। वीटी स्टेशन ही बोला था, कहाँ भी वो। भाई, मैं समझा रहा हूँ, एडवांस वापस ले लो वरना बहुत पछताओगे। भाई छोड़ेगा नहीं, भाई से कुछ नहीं होता है। भाई मेरी बात भाई।
आयुष स्मिता कैसी है तू? तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। भाई साहब, आपके छुट्टे पैसे। सो मत आयुषी। मेरा बैग। कोई बात नहीं, रहने दे। तू घर छोड़कर क्यों आए? क्या हुआ? भाई साहब एक मिनट, इधर से मुझे फोन आया था, कोई लड़की खड़ी थी यहाँ पे। हाँ हाँ, फोन पे बात कर रही थी। हाँ देखा मैंने, बहुत देर तक बैठी थी। हाँ, अभी अभी गई। वो देखो, वही है ना। आयुषी, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक ना। आयुषी, आयुषी, सोच रही है तू कि ये मेरी फ्रेंड स्मिता ही है ना? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कॉफी ठंडी हो जाएगी। जब तक ये गर्म रहती है तब तक इसकी वैल्यू है, बिल्कुल लड़कियों की ही तरह। मुंबई आकर इस बात का विश्वास हो ही गया मुझे। चीटर, तूने गलती कर दी आयुषी, घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। नहीं स्मिता, वो बहुत अच्छा लड़का तो है। फिर तूने जब रेलवे स्टेशन पर आकर फोन किया, फिर भी उसने फोन रिसीव क्यों नहीं किया? फोन स्विच ऑफ करके क्यों रखा है? जवाब नहीं है ना तेरे पास? जिंदगी में जब जवाब ही सवाल बन जाते हैं, जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बोलकर मुझे डरा मत स्मिता। डरा नहीं रही हूँ, सच्चाई दिखा रही हूँ। प्लीज एक बार और फोन ट्राई करना। ठीक है, नंबर बोल। 9690। जगत, मैं आयुषी। ये आयुषी, तुम कहाँ हो? मैं अपनी फ्रेंड स्मिता के घर आई हूँ। रुको, उसको फोन देती हूँ, उससे एड्रेस पूछ लो। भाई, वो जगत कम नहीं है, बैंगलोर में भी उसने अपना रंग दिखाया था। वो लड़की बैंगलोर छोड़ के मुंबई में उसे ढूंढने आई हुई है। भाई तेरी बात माने तो वो लड़की इसको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है, मतलब ये उसके साथ मिलकर यहाँ से एस्केप होने का प्लान कर रहा है। मैं गोली दे रहा है। उफ, उफ, उफ। ए, तुम दोनों स्विमिंग करने के लिए अपने शहर के तालाब नहीं गए हो, मुंबई, मुंबई के समुंदर में आए हो। कहाँ है रे वो? कहाँ है रे वो? भाई, सिचुएशन बहुत डेंजर हो रही है। मैं तो कहता हूँ अपनी भलाई यहाँ से बैंगलोर निकलने में ही है। चुप कर, तू समय समय पर ऐसी कहानी सुना कर डराया मत करा कर यार मुझे। चुप हो जा ना। मिल गया, मिल गया, मार दो। सबको मार के भाग गया। भाग गया। भाई, मुश्ताक का फोन। भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपकी मदद चाहिए। क्या? भाई आप हंस क्यों रहे हैं? तो फिर क्या रोना चाहिए? एक आदमी को मारने के लिए तुम लोग 20 को लेकर आए हो और फिर भी डर कर मुझे फोन कर रहे हो। बॉयज, भाई मामला तो छोटा मोटा है, मैं संभाल लूंगा, तुम लोग जाओ। भाई भाई भाई, ए तुम लोग रुको। भाई इन्हें क्यों भेज रहे हैं? भाई वो हाथी है, उसे मारने के लिए ये सब के सब चाहिए। भाई क्यों,
तेरे साथ आने वाले सारे नामर्द हैं क्या? भाई है? आप क्यों खुश हो रहे हो? उसके बोलने का मतलब हम लोग मर्द नहीं बीच वाले हैं। जाओ भाई, घबराओ मत, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। उसका दोस्त कहाँ है? फोन कर उसे, फोन लगा। हाँ बोलो मामा। जगत कहाँ है तू? मामा मैं सिक्स क्रॉस ई मेन में हूँ। हेलो हेलो, साला इसी समय बैटरी लो होनी थी। गाड़ी निकालो भाई। नहीं भाई, अभी किधर है तू भाई? किधर ही अड्डे पे। अच्छा ये बताओ, तुमने अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों कर लिया था? क्या हुआ था? ओहो, वो एक बहुत बड़ी कहानी है, बाद में बताऊंगा। बाप रे, तुम्हें पता है कितनी टेंशन हो गई थी? मेरा भी यही हाल था, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा जरा तुम ये जिप ओपन करना। तुम भी ना पब्लिक के बीच में जिप ओपन करते हैं, इसके लिए ना प्राइवेसी होनी चाहिए। हेलो, ओवर एक्टिंग मत करो, मेरा मतलब है बैग की जिप ओपन करो। बैग का क्या? अरे ये क्या है, सूखा हुआ फूल? ये गुलाब का फूल कौन सा है पता है? हमारे प्यार को जिसने लिंक किया था और तुमने उगाया था, वही पॉट का फूल है। अच्छा। जगत मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना। चलो। कैसे रह गए आप? तो आगे आने वाले आदमी हो ना मर्द की तरह। हमेशा खाने के लिए आगे रहना चाहिए और लड़ाई के वक्त एकदम पीछे रहना चाहिए, कुछ समझा क्या? कलरफुल, रोम रोम में आग लगी। कहाँ है? आयुषी अब कहाँ जाएगी बच के? भाई गिरने को ये जगह मिली थी आपको? तू भाई उसको देखकर भी आपको झटके लगते हैं क्या? देखकर नहीं, उसने सच्ची में मारा मुझे। हाय हाय, क्या मस्त लग रहा है। अरे जगत, तुमने अपना फोन चार्जिंग पर डाला था ना, वहीं पर छोड़ दिया। अरे मैं तो भूल ही गया, यही रुकना। अरे मैं अभी लेके आता हूँ। भाई मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया था, लेके जाता हूँ। मोबाइल लाने में इतना टाइम लगता है? अपने सड़े हुए करेले को रखने के लिए फ्रिज ढूंढ रहा है क्या? ए, पीछे जा, पीछे जाओ। और कौन है ये? यही तो है वो जगत की गर्लफ्रेंड। कहीं तो देखा इसे, अभी कहीं देखा है आपने? तो अभी देखा, मैंने तो बहुत पहले ही देख लिया था। इन्होंने जो मार खाई है ना, वो जगत से ही मार खाई है। ये कहाँ चली गई? अरे किधर जा रहा है तू? मैं तो एक क्या कर?
भी नहीं मिला। अरे कमीनो उस सब जाकर ढूंढ। ठीक है, ठीक है, तुम लोग जाओ। ए, निकल। थैंक यू। ए आयुषी। ए, ए रुक। आयुषी। ए चल। ए रुक जा। वही है ना, चलो पीछा करो। और तेज चला। के लिए काम करता हूं। क्या कहा? तुम इन गुंडे बदमाशों के साथ काम करते हो? इन लोगों को मैं आपको समझा रहा हूं, आखिरी टारगेट आप ही हो। तू है तेरी जबान। मुझे अब क्या हुआ? तुम मुंबई में आकर अगर मूंगफली भी बेचते ना तो भी मैं खुश रहती, लेकिन इन गुंडों के साथ काम करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जरूरत थी, थी जरूरत आश्रम के बच्चों को बचाने के लिए। 6 महीने में 30 लाख रुपए देने थे, इतने तो 80 साल में भी नहीं कमा पाता। थोड़े दिनों में कमाना था इसलिए ज्वाइन किया। तो उसके लिए तुम इन गुंडे लोगों के साथ काम करोगे? याद रखना। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो सबके हाथ पैर काम करना बंद हो जाएंगे। हमारे हाथ पैर तोड़ने के लिए तूने हमें खजूर समझा है, तुझे यही दफना दूंगा। अगर मुझे रिचार्ज होना है तो एटलीस्ट 2 बॉडी को तो डिस्चार्ज होना ही पड़ेगा। आजा। नहीं, शांति से काम लेने की जरूरत है। मेरी बात मानो प्लीज, प्लीज, प्लीज जगत, प्लीज मेरी बात सुनो। हाथ जोड़ती हूँ। भैया आप में और इसमें क्या दुश्मनी है ये मैं नहीं जानती, पर मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और इस पर भरोसा करके ही
अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ इसके पास मुंबई आ गई। अगर आपको इसे मारना ही है तो पहले मुझे मार दो प्लीज। अगर ये जिंदा नहीं रहा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मुश्ताक, पता नहीं इसने क्या बात बोली लेकिन दिल को छू गई। याद आ गई मेरे बचपन की बात। मेरी भी एक दीदी थी, किसी से प्यार करती थी। मेरे अब्बा जान नाराज थे, उन्होंने मना कर दिया, दीदी ने खुदकुशी कर ली। इस लड़की को देखकर मुझे अपनी दीदी की याद आ गई। जाने दे इन्हें मुश्ताक, ऊपर वाला तुझ पर कर्म करेगा। भाई, इसने मेरे भाई को मारा है। भाई को मारा है, बीवी को तो नहीं। जाने दे उसे। मैं अपने आप से ज्यादा अपने भाई को प्यार करता हूँ। मुश्ताक, हमारा ये जो धंधा है बहुत ही गंदा है, लेकिन इस गंदे धंधे में हमें अंधा नहीं होना है। सो जाने दे इसे। ए, जा तू अपने प्यार के साथ जा। चलो जगत, चलो चलो ना। जा। रुक जा। रुक क्यों गई? जा, मैं हूं ना। ए, रुक। भाई गलती मत करो। भाई ये पर्सनल मामला है, अगर आप साथ दिए तो भी मारूंगा, नहीं दिए तो भी मारूंगा उन कमीनों को। ना मैं साथ दूंगा और ना तुझे मारने दूंगा, समझा? उन दोनों को जाने दे। भाई ये मेरी और उसकी दुश्मनी है, अगर कोई बीच में आया तो मैं उसका सर काट कर रख दूंगा। मुश्ताक, तू बेंगलुरु शिवाजी नगर में मुर्गी बेचता था, मुंबई बुलाकर धंधा मैंने सिखाया तेरे को। ये मुंबई शहर मेरा है। और यहां पर तलवार नहीं बंदूक चलती है, सिर्फ गोलियां। जिंदगी की कहानी शुरुआत मां से और बर्बादी मौत से। आखिरी मौका देता हूं तुझे मैं, इनको छोड़कर चुपचाप चला जा, वरना। भाई 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 को किसने मारा? मैं पूछ रहा हूँ, भाई को किसने मारा? किसने मारा? मैंने नहीं मारा भाई। किसने? मैंने जानबूझकर नहीं मारा भाई, मैंने तो बस मजाक में अपना रिवॉल्वर बाहर निकाला था और वो गलती से रिवॉल्वर से गोली चल गई भाई, पर मैंने जानबूझकर नहीं मारा भाई, मुझसे गलती हो गई भाई, माफ कर दो भाई। भाई भाई मैं मैंने 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 जानबूझ के नहीं किया भाई। भाई जिंदगी में तूने एक अच्छा काम किया है। ढूंढो उसे, ढूंढो। वो कमीना भाग गया, और ढूंढो उसे, पकड़ना है उन लोगों को। जाएगा कहाँ? ढूंढो उसे। बहादुर को धोखे से मारा है इन्होंने। वो जाएगा कहाँ? ढूंढ कर निकालो उसे।
भाग कर जाएगा कहाँ? ढूंढ निकालो से, कहाँ जाएगा वो कमीना? कहीं का नाव के नीचे देखो, हिम्मत है तो आजा, आज सिखाता हूँ मुस्ताक भाई है क्या चीज। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे भाग कर आ जाओगी तो मैं कभी भी तुमसे प्यार ही नहीं करता। जगत प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जगत। अब मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी, तुम्हारे साथ ही मरूंगी। हे सुअर के बच्चे, एक बाप की औलाद है तो बारह मैं तुझे दिखाता हूँ। मैं अब चुपचाप नहीं बैठ सकता, मैं जा रहा हूँ। जगत जगत प्लीज रुक जाओ, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ूं। प्लीज जगत मेरी खातिर रुक जाओ, मेरी बात मानो, कुछ ऐसा मत करो प्लीज। वो दोनों बचेंगे नहीं। नहीं आई है इसको शहर दिखाने के चक्कर में तूने मेरे भाई को ही मार डाला ना? क्या उसने इसके ऊपर हाथ डाला था या कोई बुरी नजर डाली थी कमीने? अब आवाज कर दिखाता हूँ। 25 पैसे को टॉस करो तो भी आवाज करता है, लेकिन मैं तो उससे बहुत ऊपर हूँ। इस लड़की को किसी ने देखा तो भी मारूंगा, छेड़ना तो दूर की बात है। आजा।
आयुष आयुष